The race to the Rajya Sabha saw big gains for both the BJP and the Congress in Karnataka and Rajasthan respectively. In Karnataka, BJP secured a win while Congress bagged Rajasthan. Congress's Ajay Makan lost in Haryana, and in Maharashtra, BJP bagged 3 out of 6 seats. In Karnataka, BJP's Nirmala Sitaraman, Jagesh and Leher Singh Siroya won while the Congress bagged 1 seat. In Rajasthan, the tables were turned with 3 seats for the Congress, with Randeep Surjewala, Mukul Vasnik and Pramod Tiwari headed to the Rajya Sabha, while 1 seat went to the BJP. The prominent faces who lost out in these 2 states are BJP-backed independent candidate and media baron Subhash Chandra, who secured only 30 votes in Rajasthan. And in Karnataka, Devegowda's JDS failed to get even a single seat. Counting was held up in 2 states, Haryana and Maharashtra, for over 8 hours amid complaints of rules violations. जैसे मैंने कहा पहले, तीनों सीटें जीतेंगे और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीटीपी के थे, सीपीएम के थे और सुभाष गर्ग जी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन हम लोग 126 लोग हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं, तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे और वो हो नहीं पाई उनकी और बुरी तरह से उनको मुंगी खानी पड़ी। इट हम्बल्स मी, इट्स एन ऑनर दैट द स्टेट हैज बेस्टोड ऑन मी। आई विल हैव टू कंटिन्यू सर्विंग द स्टेट एज आई डिड और इवन बेटर इन दिस टर्म। कर्नाटक में बड़े जीत मिला है, तीनों हमारा उम्मीदवार जीता है, इसके वजह से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम कितना अलर्ट किए थे उसके ज्यादा वोट मिला है, उसके वजह से कौन हमको मदद किया वो लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ लोग देश हित ध्यान में रख करके वोट दिया है, बाहर पार्टी का लोग भी वोट दिया है, सभी को धन्यवाद है। ये जीत है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व की, ये जीत है अशोक गहलोत सरकार की, ये जीत है उन सारे कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, बीटीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल और हमारे अन्य विधायक साथियों की, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों में विश्वास जताया। ये हार है उन सारी ताकतों की जो राजस्थान का स्वाभिमान वोट की मंडी में पैसों से खरीदना चाहते थे। मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहां सदन में उठाने की बात करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा घोप कर यहां पर एक अनैसर्गिक सरकार तैयार की गई, लेकिन आज के इस विजय ने यह दिखा दिया कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार कैसे चलती है।